ग्वालियर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है, जहां 10 साल की छात्रा के साथ उसके सौतेले पिता ने हैवानियत दिखाई है। रात को मां के ड्यूटी पर जाते ही पिता उसके कमरे में पहुंचकर दुष्कर्म किया। वहीं विरोध करने पर मासूम को पीटा भी। सुबह हॉस्पिटल से लौटते ही मासूम ने मां को आपबीती सुनाई। बच्चे को लेकर उसकी मां विश्वविद्यालय थाना पहुंची और शिकायत की है। पुलिस ने बिना देर किए ही मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मासूम पास के ही स्कूल में कक्षा 5वीं की छात्रा है। उसकी मां एक नर्स है और शासकीय अस्पताल में पदस्थ है। वहीं छात्रा की मां ने तो पति से अलग होने के बाद कुछ समय पहले ही फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से दूसरी शादी की थी। फाइनेंस कर्मचारी उसके साथ रहता था। वहीं गुरुवार रात को छात्रा की मां ड्यूटी पर गई थी, जहां सौतेला पिता रात में नशे में घर पर आया। देर रात आरोपी ने छात्रा को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके साथ ही उसको धमकाया भी कि यदि इस बात का किसी को जिक्र किया तो उसकी हत्या कर देगा। घटना का पता उस वक्त चला जब सुबह मां ड्यूटी से वापस आई। वही मामला का पता चलते ही महिला ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सबसे पहले मासूम को मेडिकल के लिए भिजवाया। इसके साथ ही एक टीम को आरोपी को हिरासत लेने के लिए भेजा है। आरोपी को उठाने के बाद पुलिस इस मामले में रेप का मामला दर्ज की है। थाना प्रभारी विश्वविद्यालय ने बताया कि 10 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले सौतेले पिता को हिरासत में लेकर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है। तो आज यूनिवर्सिटी में खबर आई, एक माँ आई थी अपनी बेटी के साथ। वो बेटी माइनर थी, 10 साल की उम्र के आसपास थी। तो उन्होंने ये बताया कि उसकी माँ बता रही थी कि उसके जो सौतेले पिता है उनके साथ रेप हुआ। तो हमने इमीडिएटली महिला TI बुलाया और बच्ची को जिस लैंग्वेज में वो बोलना चाहती थी हमने उससे उसका बयान लिया कि क्या ये सही है। तो वो कंसिस्टेंट रहा है। तो क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसलिए जब माता जी उसके आके बोली तब इमीडिएटली हमने उसके पिता को कस्टडी में ले लिया था।